एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगे। तो नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़। नामांकन पत्र दाखिल वो कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जारी है तो अब नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगे जगदीप धनखड़, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले नामांकन के लिए 19 जुलाई तक अंतिम तिथि है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने पहुंचे हैं जगदीप धनखड़, नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, पीएम नरेंद्र मोदी साथ में मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी भी इनके साथ मौजूद हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए पहुंचे हैं और बीजेपी के एनडीए के वरिष्ठ नेता भी साथ में मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और उनके साथ पीएम, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ये भी आप देख सकते हैं। तो नामांकन भरने के लिए, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं जगदीप धनखड़। तो पश्चिम बंगाल के इससे पहले राज्यपाल ही रहे और अब इन्हें उम्मीदवार के तौर पर एनडीए की ओर से पेश किया गया, उम्मीदवार घोषित किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से घोषणा की गई थी और अब ये नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो नामांकन भरने पहुंचे हैं और ये देखिए पीएम हस्ताक्षर करते हुए। तो प्रक्रिया जारी है और ये तस्वीरें हम आपको सीधे इस वक्त की दिखा रहे हैं। सबसे पहले पीएम की ओर से हस्ताक्षर किया गया, जगदीप धनखड़ नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं, जनता दल से चुनावी राजनीति की शुरुआत की गई थी। 1991 में कांग्रेस में शामिल हुए और 2003 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। विधायक से लेकर सांसद ये रहे हैं, राज्यपाल थे और पश्चिम बंगाल में इनके बयानों के लिए या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ इनके जिस तरह से कई बार ठनी भी, जो कि खबरें सामने आई खबरों के मुताबिक, तो उसे लेकर कई बार चर्चाओं में भी रहे। तो किसान परिवार से आते हैं, किसान पुत्र हैं ये कहा गया जेपी नड्डा की ओर से। राजस्थान में जाट समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिलवाने के लिए आंदोलन में अहम भूमिका अदा करते रहे और इनकी शैक्षणिक योग्यता के जवाब बात करते हैं, आईआईटी क्लियर किया गया, एनडीए क्लियर किया गया, यहां तक कि आईएएस की परीक्षा भी पास की थी। हालांकि वकालत को इन्होंने चुना, सुप्रीम कोर्ट में वकालत ही करते रहे हैं। सामाजिक, जो कि बीजेपी की ओर से कहा गया कि एक सामाजिक शख्सियत के तौर पर भी बड़ी पहचान रखते हैं। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जगदीप धनखड़, इनके बारे में आप जाने, स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल से की थी, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से बैचलर्स इन्होंने की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से इन्हें अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने चुना। 30 जुलाई को इन्होंने राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाला था। इससे पहले कि हम बात करें, झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे हैं जगदीप धनखड़, तो जाट समुदाय से आते हैं और इसका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि मैसेज एक देना होता है, राजस्थान चुनाव में भी बीजेपी को फायदा मिल सकता है। तो 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू में इनका जन्म हुआ। स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से इन्होंने हासिल की, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर्स की डिग्री इन्होंने पास की और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ये थे। अभी अब चूंकि उम्मीदवार के तौर पर अब नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तस्वीर आप देखिए तो स्क्रीन के दो हिस्सों में आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर नामांकन की प्रक्रिया जारी है और दूसरा हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कौन है जगदीप धनखड़ और इनके बारे में जानकर आप ये भी जान पाएंगे कि आखिर इन्हें क्यों चुना गया और कैसे सटीक बैठे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर। चूंकि खबरें और चर्चाएं ये थी कि अल्पसंख्यक समुदाय से भी, चूंकि ये चर्चाएं बार बार सामने आ रही थी कि अल्पसंख्यक समुदाय से एनडीए उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर सकती है, लेकिन जैसे ही इन्होंने पीएम से मुलाकात की तो इनका नाम रेस में सबसे आगे नजर आया और बीजेपी की ओर से, बीजेपी अध्यक्ष की ओर से प्रेस वार्ता कर इनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया था। आज ही नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे गए।